सकते हैं। भैया क्या दे चुके हैं मम्मी? सरप्राइज, सरप्राइज दे चुके हैं। मम्मी कह रहे हैं कि सरप्राइज दे चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो आप दिखा, आँख देखिए, है देखिए। देख तो नहीं रहे? नहीं देख रहे हैं, गिर जाएंगे, रुकिए। यहाँ देखिए, तो तीन तक गिनेंगे तब आँख खुलेगा, ठीक है? 1 2 3 ये देखिए, सरप्राइज है, यहाँ पे देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज बहुत ही दिन के बाद हम ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं साथ में मम्मी के साथ, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मम्मी आज आ चुके हैं, आज नहीं कल ही आए हैं नेपाल से। और आज क्या कहते हैं, अभी उस द्वार जा रहे हैं क्योंकि उस द्वार से कॉल आए हैं रणबीर के पापा के, बोल रहे हैं कि इस द्वार आ जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या मम्मी, अब क्या सरप्राइज है ये हमको भी पता नहीं है। सांप है कि बाघ है? मम्मी का बात सुन लीजिए, बोल रहे हैं सांप है कि बाघ है। सरप्राइज में सरप्राइज सरप्राइज बोले, सरप्राइज बोली मम्मी, सरप्राइज नहीं होता है, सरप्राइज सरप्राइज बोल रहे हैं मम्मी सरप्राइज को। तो हम और मम्मी निकल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं क्या लेकर के आए हैं। अभी कॉल की है, अभी आ ही रहे थे, और क्या है अभी तो हमको भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं वहाँ पे द्वार में, क्या है नहीं है। और वहाँ पे भैया हैं और क्या कहते हैं रणबीर के पापा हैं, क्योंकि आज गए थे कुछ काम से। क्या मम्मी? मुरलीगंज गए थे कुछ काम से, और क्या सब लाए हैं तो पता नहीं, फिर भी लेकिन जाते हैं वहाँ, और क्या सब लाए हैं मेरे लिए दिखाते हैं आप लोगों को। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हम आ चुके हैं, सबसे पहले मम्मी के हाथ में, यहाँ पे देख सकते हैं भैया क्या दे चुके हैं मम्मी, सरप्राइज, सरप्राइज दे चुके हैं। मम्मी कह रहे हैं कि सरप्राइज दे चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो इनको हम बाद में इनबॉक्सिंग करेंगे, इसमें जैसे लग रहा है कि साड़ी है, ये कमर बंद है, होई वाला कमर बंद है, मम्मी के लिए है शायद। क्या मम्मी? बेल्ट भी दिए हैं उसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना आदमी है यहाँ पे, यहाँ पे दीदी है मेरे, दीदी कह रही की का पता मेरे लिए लाए हैं कि न लाए तो कोई बात नहीं, दीदी के लिए ही शायद आए हैं। क्या दीदी? मेरे लिए है। और दीदी देख सकते, यहाँ पे देख सकते हम नया न्यू वाला द्वार में आ चुके हैं, और उधर कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लाए हैं, और क्या सब है वो तो हमको अभी पता नहीं, वो खुलेंगे उसके बाद हमको पता लगेगा कि उसमें क्या सब है। तो दोस्तों, तभी से सुनीता ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो आज हमको बुलाए इस द्वार कॉल करके, और हम आ चुके हैं यहाँ पर, और देख सकते। तो आज सुनीता के लिए सरप्राइज है, तो इनको ले जाते हैं और दिखाते हैं क्या चीज है। क्या दिखाई जल्दी, चलिए मोन के इसको ले जाते हैं। इसको कैमरा पकड़ा दीजिए जी, ये देखिए यहाँ पे ले जाते हैं इसको, आप दिखा, आँख देखिए, है देखिए। देख तो नहीं रहे? नहीं देख रहे हैं, गिर जाएंगे, रुकिए। यहाँ देखिए, तो तीन तक गिनेंगे तब आँख खुलेगा, ठीक है? 1 2 3 ये देखिए, सरप्राइज है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। बहुत अच्छा लगा सच में, हाँ? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना, इसके अंदर तो यहाँ देखिए सुनीता खोल के देख रहे हैं, तो क्या सब है? छोटा है, हाँ? वो छोटा है, क्या चीज़? इसका मीनर वो छोटा है, तो खोलिए कैसा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सुनीता खोल रहे हैं, तो ये देखिए, देख लीजिए, वाह कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए सुनीता के लिए आज लेके आए हैं प्यारा सा जो गोदरेज, ये देखिए। तो आप लोग कमेंट में आप लोग भी बताइएगा, ये देखिए, ये हो गया चाबी जो कि आपका तिजोरी है। मेरा तिजोरी है, मेरा है, मेरा बोला मेरा है। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, लाइफ में पहली बार रणबीर का पापा इतना बड़ा सरप्राइज हमको दिए हैं। यहाँ देखिए सभी, मतलब दीदी है इधर जो कि सभी मम्मी सब देख रहे हैं, और सुनीता के यहाँ दे रहे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए सुनीता तो लग रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहे हैं ना, इसके कारण से नहीं खुश है। कि खुश है आप? क्या पता है, बहुत खुश है, आप जो भी सामान लाते हैं हमको अच्छा ही लगता है। तो यहाँ देखिए सुनीता की लेकर, क्या वाला? 3 पीस वाला, 3 पीस अगले साल, अगले साल वो भी देंगे। वाओ, अगले साल दूसरा भी मेरे घर आने वाला है। चलिए देखिए, ये देखिए आप लोगों को दिखा देते हैं, ये देखिए इसको खोलिए, तो चाबी तो आपके पास है, पता नहीं चल रहा कौन सा। ये देखिए सुनीता खोल रहे, खोलिए, कहाँ खोल रहे, दूसरा चाबी से दूसरा चेक कीजिए। यहाँ देखिए सुनीता खोल के देख रहे हैं, इसके अंदर में पैसा भी हो सकता है। क्या सुनता? खोल नहीं रहे ना जी,
खोल दीजिए ना आप दो, मेरा हेल्प कर दीजिए। तो इसको इसको खोलिए, हटाइए इसको, ये डंडा को हटाइए पहले। तो यहाँ पर रंजीत का पापा मेरा हेल्प कर रहे हैं। क्या हुआ? ये देखिए, ये खुल गया, मतलब इसमें तीन बॉक्स है, ताला हो गया है। तो इधर आप ये रख सकते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें भी ताला मारा है। इसमें हम अपना गहना गुड़िया रख सकते हैं। तो कोई नहीं दोस्तों, आप लोग बने रहिए सुनीता को ब्लॉग में। तो दोस्तों ये वीडियो हम दूसरे रोज शूट कर रहे हैं, और जैसे कि कल आप देखे रणवीर के पप्पा मेरे लिए कितना बड़ा सरप्राइज लेकर के आए थे, मेरे लिए प्यारा सा गिफ्ट लेकर के आए थे। सच में बहुत ही अच्छा लगा। और देख सकते हैं बारिश सुबह से ही हो रहे हैं और छूटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी बारिश हो ही रहे हैं। और इधर देख लीजिए मेरा घर अंगना का हालत देख लीजिए। उधर वहाँ पर रणवीर का पप्पा जो कि बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे हैं, इधर आइए। हाँ देखिए देखिए, फटाक से उठ गए हैं, इधर देख लीजिए बारिश का मौसम में। उधर रहिए ना, क्योंकि हम छोटे हैं तो इनका सर कट जाता है। क्या नाम बताए दोस्तों, बारिश हो रहा है ऊपर से ना जाने आज क्या हो रहा है यहाँ पे, छाती में दर्द हो रहा है इनको। इसको हम कहते हैं कि जाकर के दिखाइए एक बार, डॉक्टर से दिखाते नहीं है। और चलेंगे किसी रोज, यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी है उधर, क्या कहते हैं किचन रूम में आज दीदी है, क्योंकि हम रणवीर को चल गए थे सुलाने, इसीलिए दीदी हैं। और यहाँ देख सकते हैं अब क्या बना रहे हैं दीदी, आप लोगों को हम दिखा रहे हैं क्या बना रहे हैं दीदी। साग है, साग साग है, और क्या कहते हैं, दाल है, पापड़ है, और साग है, दाल नहीं है सॉरी, कद्दू का सब्जी है, क्योंकि चावल सब हम बना के गए थे और रणवीर रो रहे थे इसके कारण हम चले गए थे। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पापड़ वापड़ बना रहे हैं दीदी। और कल जैसे कि आप लोग देखे तो आप लोगों को कैसा लगा है वो मेरा प्यारा सा गिफ्ट, आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि रणवीर के पापा बहुत ही प्यार से लाए हैं। वो दूसरे चीज़ लेने गए थे, हमको पता भी नहीं था कि वो इतना बड़ा गिफ्ट लाएंगे मेरे लिए, और कभी नहीं हम सोचे थे। तो सच में बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो कोई नहीं, आज का ब्लॉग वीडियो मेरा यहीं पेंड होते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले ब्लॉग्स लेके। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।